हाय फ्रेंड्स, चलिए हम और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। मैथ्स में जो चैप्टर जो बैंकिंग का है, उसमें आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन से आपको आएंगे ही। उसमें से एक आएगा, जैसे आपको यदि मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ सकता है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालने आ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने आ सकता है, ठीक है, तो ये टाइम निकालने आ सकते हैं। तो चार टाइप के होंगे, तो चार टाइप में फॉर्मूला एक ही टाइप के हैं, तो उसमें आप वेरिएबल यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है, तो इसमें ये है कि टाइम है 2 ईयर्स, है ना, तो एन है 2 ईयर्स, तो इसका मतलब है 2 × 12, सो 24 मंथ्स। तो ये जो होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसलिए मंथ में निकालना है। तो पहला पॉइंट है एन हो गया। फिर रेट दिया हुआ है 6%, और ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है 1200 रुपीज़। आपको निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, तो ये दो निकालने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम दिया है, नंबर ऑफ मंथ्स दिया है, रेट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो आपको प्रिंसिपल यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, और मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, यदि इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको सीधा इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। तो सीधा जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला क्या है, पी एन एन प्लस वन आर बाई 2400, तो डायरेक्ट 2400 लिखिए। तो इंटरेस्ट के बदले में आप 1200 लिखे, है ना, और पी आपको निकालना है, एन आपको दिया है 24, रेट 6 दिया है, और ये 2400, ठीक है, तो 24 ये 100 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3, ये 2, तो इसका मतलब हो गया पी इक्वल्स टू 1200 × 2/3, तो 400, तो पी इज 800 ना, सो रुपीज़ 800 आ गया। तो इस तरह से आप निकालना है, तो ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत होइए, ये श्योर आने वाला है इस बेस्ट में, तो आसानी से इसमें 3 मार्क्स हम पा सकते हैं। अभी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं। तो डिपॉजिटेड वैल्यू कितना है, सो डिपॉजिटेड वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना, 24 × 800, तो 800 क्या है, हर एक महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम 24 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 24 × 800, तो ये आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, 32 16 19, तो ये आ गया 19,000, इतना आपका पैसा डिपॉजिट हुआ। और आपको देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। डिपॉजिटेड वैल्यू हमारा 19,200 आ गया, और प्लस इंटरेस्ट हमारा है 1200, है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आप निकाल सकते हैं 420, तो इस तरह से आपको डिपॉजिटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो यदि आप मैच्योरिटी वैल्यू का यदि आप पूरा फार्मूला फिर से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड में आप चिंता मत कीजिए, कैसे भी मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन राइट होना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन जो हम शेयर्स का, शेयर्स एंड डिविडेंड का करते हैं, ठीक है, तो शेयर्स एंड डिविडेंड में भी क्वेश्चन सेयर है, उसमें आए गई, तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन है, अमित इन्वेस्ट्स ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया
ये 36,000 तो ये आ गया, 36,000 इन्वेस्टमेंट, यानी उससे वो शेयर खरीदेगा। तो बाइंग रुपीज 100 शेयर्स, तो इसका मतलब वो नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। एट 25%, सॉरी 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हुआ, 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, तो ये 20 रुपीज़ हो गया। तो मार्केट वैल्यू क्या है, तो जब प्रीमियम होता है तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो 100 प्लस 20, तो 120 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब अभी हालांकि शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, जो कोटेड वैल्यू है, वो है आपको 100 रुपीज़, लेकिन मार्केट में उसको 120 रुपीज़ में उसको ख़रीदना पड़ रहा है, ठीक है। और डिविडेंड दिया हुआ है 15%, 15%, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन जो इन्फॉर्मेशन से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आपको कोई 100, कोई सामान 120 रुपीज़ करके ख़रीदना है एक यूनिट का, और आपको 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, तो 36,000 रुपीज़ में 120 रुपीज़ का जो चीज़ है वो कितना ख़रीदेंगे, है ना। तो इसलिए डिवाइड करते हैं, तो 36,000 डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो याद रखना है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सो 120 रुपीज़, तो ये आप काटने से 300 आ जा रहा है, सो 300 शेयर्स उसने ख़रीदा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नॉमिनल वैल्यू है 100, लेकिन उसको तो ख़रीदना पड़ रहा है 120 रुपीज़ में, तो 120 रुपीज़ के हिसाब से आपको शेयर्स मिलेंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, आपको ईयरली डिविडेंड बोला है, यानी कि अभी आपको डिविडेंड निकालना, तो डिविडेंड निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, तो आप इसको याद कर लीजिए। सो डिविडेंड जब हम निकालते हैं तो हमेशा वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर निकालते हैं, ये हमेशा याद रखिए। अभी कंपनी कितने में शेयर उसको दिया है बाज़ार में, वो 100 रुपीज़ में दिया है, तो इसलिए कंपनी जब डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट वो देगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो क्या करेगा, वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही डिक्लेयर करेगा। मार्केट में कितने में बिक्री हो रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड परसेंट ऑफ 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये एक एक शेयर से उसको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो इंटू एन, तो टोटल डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये डिविडेंड है अमाउंट, और ये डिविडेंड परसेंट है द रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे ये 15, तो 15 बाई 100, तो ये परसेंटेज है, इसलिए ऑलरेडी 100 लगा चुके हैं, तो दोबारा 100 नहीं लगाना। सो एन भी कितना है, 100, तो हमेशा याद रखिए डिविडेंड जब निकालेंगे तो नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज निकालना है 300। या तो 4,500 रुपीज़ उसको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या इनकम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी परसेंटेज रिटर्न, तो परसेंटेज रिटर्न जो होता है, अभी आप याद रखिए कि जो डिविडेंड परसेंट तो दिया हुआ है, तो फिर परसेंटेज रिटर्न क्यों पूछ रहा है ना। तो ये 15% होता है 100 के ऊपर, लेकिन हम कितना में खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 120 रुपीज़ में, इसलिए हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपको 100 में 80 मिल गया, तो 80% हो गया, लेकिन यदि हम 200 में 80 मिला है, 200 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो 80 तो मिला है, लेकिन हम 200 में हम एग्ज़ाम दिए थे, तो वो 40% में आ जाएगा। तो इसलिए परसेंटेज रिटर्न वो डिफरेंट होता है, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए परसेंटेज रिटर्न हम निकालेंगे, तो रिटर्न तो कितना हुआ, तो ये हो गया डिविडेंड, लेकिन
इसको निकालना पड़ता है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो ये आपका फार्मूला है। तो अभी हमने क्या किया, डिविडेंड हमने ये 4500 दिया है, तो 4500 हमको मिला, लेकिन मार्केट वैल्यू ये टोटल हमको मिला है, तो इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो मार्केट, कभी मार्केट वैल्यू देना पड़ सकता है, कभी आपको इन्वेस्टमेंट लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं 36। तो 36,000 हमने इन्वेस्ट किया, तो 4500 हमको मिला, तो कितना परसेंट हुआ, तो ये आ गया 12.5%। तो इस तरह से हमको ये रिटर्न परसेंट, देखिए 12.5% आ गया, कंपनी दे रहा है 15%, लेकिन हमको मिल रहा है रिटर्न परसेंट 12.5। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा पैसा में ख़रीदा था, इसलिए हमारा परसेंटेज रिटर्न कम हो गया।